सदर थाना क्षेत्र के पीपलाज गांव रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक बॉयल मिल में घटित एक दर्दनाक हादसे में एक मासूम की मौत हो गई। घटना के दौरान मृतक बालक के माता पिता इसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। देर शाम तक बच्चा नहीं मिलने पर परिजनों ने उसकी आसपास तलाश की, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिली, जिस पर मृतक की माँ ने सदर थाने पहुंचकर बालक की गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सोमवार को बॉयल फैक्ट्री पहुंची पुलिस ने फैक्ट्री की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को फैक्ट्री के फिल्टर से बदबू आने पर उसकी कवर को खुलवाया गया तो उसमें एक सिर की हड्डी मिली। हड्डी मिलने के बाद पुलिस ने आगे देखा तो बच्चा उसमें मृत अवस्था में फंसा हुआ था। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पारिसान से पहचान करवा की तो उसकी पहचान गुमशुदा आसुपुत्र मोहम्मद अबुल समस्तीपुर बिहार के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने शव का राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के सुपुर्द किए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सदर थाना अधिकारी चिराराम बेड़ा ने बताया कि समस्तीपुर बिहार निवासी मोहम्मद अबुल पीपलाज स्थित जय जिनेन्द्र बॉयल फैक्ट्री में मजदूरी करता है। उसके साथ उसकी पत्नी रोशनील तथा एक 3 वर्षीय बालक आंसू भी रहता है। रविवार को काम करने के दौरान आंसू इधर उधर खेल रहा था। देर शाम बच्चा नजर नहीं आने पर उसकी माँ रोशनील ने सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर जांच करते हुए पुलिस फैक्ट्री पहुंची। जांच के दौरान फैक्ट्री के फिल्टर में बदबू आने के कारण उसे खुलवा कर तलाशी ली तो बच्चे का शव उसमें पाया। शव की पहचान के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। हमारा बच्चा गायब हुआ, रूम से खेलते खेलते निकल गया। हम लोग पूरी नाइट ढूंढे, नहीं मिला। फिर सुबह मजदूर आया गाड़ी लोडिंग वाला, उसने बोला बदबू आ रहा था थोड़ा बहुत, उसने बोला ढक्कन खोल के देखो मिल में होगा। फिर ढक्कन खोले तो मिल में मिला बच्चा। थाने पे आकर के बताया कि सर मेरे एक बच्चा है 3 साल का, जिसका नाम आंसू शनोक मोहम्मद अबुल है, जो पीपलाज में जय जिनेन्द्र फैक्ट्री पे काम करते हैं। बच्चा भी वहाँ खेलता रहता है, लेकिन कल 5:30 बजे बाद में उनको बच्चा मिला नहीं। उस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया और सुबह जल्दी जा कर के आसपास में तलाश किया गया और जो जय जिनेन्द्र की बॉयल का जो वो फिल्टर है उसमें से हल्की सी स्माइल आई तो उसको खोल करके चेक किया गया। उसमें पहले तो एक छोटी सी हड्डी मिली सिर की, और उसके बाद में उसमें खाली करने के दौरान बच्चे की जो बॉडी थी वो मिली, जिसकी शिनाख्त करवाई गई और उसका पंचायतनामा तैयार करके पोस्टमार्टम करा के और बॉडी को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। अनुसंधान जारी है।